बात ट्रू हो तो दिल को छू जाती है मूवी, और मेरे ख्याल से अच्छी फिल्में बना रहे हैं। मैं तो जी सेकंड हैंड हस्बैंड हूँ फिल्म में, तो फिल्म में थोड़ा सटल रोल ही है मेरा। इनका होटल है जिसमें मैं फ्रंट डेस्क मैनेजर हूँ। अपनी बीवी से डिवोर्स हो चुका है, एलिमनी देनी पड़ती है, तो एलिमनी से छुटकारा चाहता हूँ एंड बीवी को एडवाइस करता हूँ कि तू कहीं शादी कर ले। तो अब शादी करने के लिए उसको आगे लड़का चाहिए, सो उसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ। फिल्म में बेसिकली ये है कि मैं अपनी बीवी के लिए रिश्ते ढूँढ रहा हूँ, सो ये मेरा किरदार है जी। मेरा किरदार बहुत गर्म है, आप लोगों ने मुझे टाइटल दे दिया ना, गरम धर्म हे मैन, तो इस फिल्म में एक्स्ट्रा गरम 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 हो गया। फिल्म में जो है पहली बार गोविंदा जी की बेटी दिखाई देने वाली है टीना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस था उसके साथ काम करने? शी इज वेरी फाइन गर्ल, वेरी गोविंदा मेरा से मेरा एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत है। She's a nice girl, very good girl, very talented girl. वो ज़्यादा सीन्स इनके साथ हैं और she's opposite Gippy. Gippy आप बता दीजिए कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी फिल्म है जो बेसिकली एक इंटेलिजेंट ह्यूमर की फिल्म है, टाइमिंग की फिल्म थी। एंड पाजी को तो देख देख के हम बड़े हुए हैं इनकी फिल्में, अगर चुपके चुपके अगर कॉमेडी जितनी भी फिल्में की बात कर लो, सो हर बंदे की टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सीन कॉमेडी सीन ऐसे होता है कि अगर एक भी बंदा बीच में ड्रॉप हो गया तो समझो सीन गया। बट मुझे लगता है कि टीना शायद घर से थोड़ी बहुत ही टिप्स लेके आई थी या प्रिपेयर होके आई थी इसका फिल्म के लिए, सो बहुत अच्छी तैयारी करके आई थी और मुझे लगता है अच्छा लगेगा सबको। धर्म जी अगर बात करें गिप्पी जी नब्बी का, आपकी कॉमेडी मूवी जैसे चुपके चुपके थी, वीर चुपके चुपके, प्रतिज्ञा या नौकर बीवी का, इन सब में आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब जिस तरीके की कॉमेडी मूवीज बन रही है, आपको क्या लगता है जो लेवल है कॉमेडी का वो आज कहाँ है, किस तरीके से इस फिल्म में मेरा लेवल और उठेगा? जो ओवरऑल कॉमेडी का है, जो जॉनर का, आपको क्या लगता है लेवल अब किस तरह का है, आजकल वैसे अच्छी फिल्में बना रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से ट्रू स्टोरी पिकअप कर रहे हैं, और ट्रू कोई बात ट्रू हो तो दिल को छू जाती है मूवी, और मेरे ख्याल से अच्छी फिल्में बना रहे हैं, कॉमेडी की भी और विक्की डोनर ये वो तनु वेड्स मनु एंड मनु वेड्स तनु सारा कुछ डूइंग सो वेल, सो दिल धड़कने दो मन फड़कने दो सब चल रहा है। इधर आ जा बच्चे, क्योंकि मैं फिर कैमरे को फेस नहीं कर सकूँगा, क्योंकि एक्टर कैमरा जरूर फेस करते हैं। मैंने समीप गंग के साथ एक पंजाबी पिक्चर की थी रिसेंटली, डबल द ट्रबल, उसमें गिप्पी था, तो आई एंजॉयड माय वर्किंग विद दैट डायरेक्टर। मुझे क्या है कि वो जो बहुत जीनियस टाइप के लोग होते हैं ना, उनसे थोड़ी एलर्जी है, और हमारे दो फिल्में हिट होती हैं तो लोगों को एलर्जी हो जाती है, लेकिन इसको नहीं हुई, तो मैंने सोचा इसके साथ फिल्में बनाई जाए, क्योंकि एलर्जी होगी तो मुझे भी होगी। सो ही इज़ अ नाइस पर्सन, नाइस डायरेक्टर, एंड वी स्टार्टेड सर्चिंग सम गुड स्क्रिप्ट। उसने कहा पाजी एक कहानी है सेकेंड हैंड हस्बैंड, तो मैंने कहा मेरा रोल क्या? कहता जी आप फ्लैट नंबर 1 है इसमें। डन।
मुझे सीख मुझे मुझे करने में इसमें बड़ा एफर्टलेस रोल है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाजी को आपने देखा, क्योंकि जल्दी जल्दी धर्मपाजी किसी फिल्म के लिए यस नहीं बोलते, इनको होता है कि क्या है। अच्छा कई लोग होते हैं कि उनको जाके उनका रोल सुनाओ तो वो अपना रोल सुन के कहते हैं कि ये चीज़ ठीक है मैं डन। इनको होता है कि पूरी स्क्रिप्ट सुनाओ पहले, बना के आ रहे हैं कुछ अच्छा भी है या कुछ ख़राब है। सो ये जब स्क्रिप्ट इनके पास गई थी, जो मैं और समीप थे, समीप कहता कि पाजी के साथ डिस्कस करेंगे, हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये यस बोलेंगे कि ये फिल्म हमने, क्योंकि मेरी भी एंट्री थी बॉलीवुड में, तो हम सोच रहे थे कि अगर कोई फिल्म लेके आए तो इंटेलिजेंट ह्यूमर सेंसिबल फिल्म लेके आए, ऐसा ना हो कि बहुत लाउड कोई चीज़ ऐसी लेके आए कि लोग कहें कि ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज भी हो फिल्म में, एक अच्छी ह्यूमरस कॉमेडी हो। सो ये अच्छा प्लॉट था तो गए तो डन।